हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अपने एयरटेल का सिम से 51 रुपये का गिफ्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। चलिए मैं प्ले स्टोर में जा रहा हूं अपने मोबाइल के। चलिए यहाँ से प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं। चलिए मैं इसे ओपन कर ले रहा हूँ। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर आपको सर्च करना है माई एयरटेल। ये मैं यहाँ पे सर्च कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है माई एयरटेल लिखा हुआ, इस पर क्लिक कर लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर ले रहा हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा एयरटेल थैंक्स, या इसको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए वो डाउनलोड होगा। अब डाउनलोड होने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है। डाउनलोड हो रहा है। चलिए यहाँ पे डाउनलोड हो गया है, अब इंस्टॉल हो रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। अब ओपन की यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, जो आपका एयरटेल का सिम का मोबाइल नंबर है यहाँ पे आप डाल दीजिए उसको। ये मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ अपना मोबाइल नंबर। चलिए यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ओटीपी आपके मोबाइल पे जाएगा, जो यहाँ पे नंबर आप डाले हैं। देखिए मेरे पे ओटीपी आ गया है, मैं इसको यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। देखिए ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे अपना आपका नाम यहाँ पे आप डालना है। देखिए मैं यहाँ पे अपना नाम डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। चलिए मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिनिश ये नीचे जो दिखा रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। देखिए क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे ट्राई नाउ लिखा है और नीचे मे बी लेटर लिखा है। यहाँ पे आपको मे बाई लेटर पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा होगा। इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, इसमें आपको कितना कॉल है, डाटा, ये सब इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर गेट रेस 40 का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा आपको सबसे ऊपर राइट में, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए मैं ऐसे क्लिक कर दे रहा हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका नाम यहाँ पे डालना है। चलिए मैं यहाँ पे अपना नाम डाल दे रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे अपना नाम डाल दिया हूँ। नाम डालने के बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे आपको ईमेल डालना है। ईमेल डालने के बाद यहाँ पे पिन कोड डालना है। उसके बाद से यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, आईडी प्रूफ। यहाँ से आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, पैन कार्ड भी कर सकते हैं, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट नंबर डालना है, जो यहाँ पे सिलेक्ट किया आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको केवाईसी करना है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको ओपनिंग है मिनिमम केवाईसी लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर दे रहा हूँ। चलिए क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एम पिन बनाना है। एम पिन जो यहाँ पे आपको ओपन करने के लिए वो काम आता है, रिचार्ज भी इससे करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे आपको एम पिन बनाना है। चलिए मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ एम पिन। देखिए यहाँ पे
एम पिन बनाने के बाद यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर पर आपके ओटीपी जाएगा, यहाँ पे ओटीपी आपको डालना है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपको एम पिन आपका बन जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे ओटीपी डाल दे रहा हूँ दोस्तों। एम पिन बनने के बाद कुछ ऐसा आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कांग्रेचुलेशन लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। इसके बाद से आपको बैक आना है। चलिए मैं यहाँ पे बैक आ जा रहा हूँ। बैक आने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ से एक बार फिर से बैक आना है आपको। चलिए मैं यहाँ से फिर से बैक आ जा रहा हूँ। बैक आने के बाद आपके राइट साइड में यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे जीरो लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे ये आपका एम पिन बनने के बाद यहाँ पे आपको आना है। आने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहा है जीरो बैलेंस। यहाँ पे 24 घंटे के अंदर यहाँ पे आपका 51 रुपया आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। इससे आप रिचार्ज कर सकते हैं या शॉपिंग कर सकते हैं या बिजली बिल पैड कर सकते हैं, जो आपका करना होगा यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको जानकारी प्राप्त हो जाए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट डे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।